लोग जानते हैं कि आज तक जितने मसला मसाइल जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल लेबरों का है, हम एक बहुत बड़ा तबका है। हम लोग जम्मू से लेके कश्मीर, कारगिल, उड़ी, तंगडार, लेह लद्दाख, लखनपुर तक एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस मुल्क का। 1,05,000 लोग हैं। हमारे साथ जिस तरीके से 1994 से लेके टिल डेट तक जाति किया गया है, आज हमने यह फैसला लिया है कि जम्मू से प्रेसिडेंट कायद कारवान जनाब तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, जो मैंने इससे पहले आप ही की वसादत से अपने कौम तक, अपने कैजुअल लेबर तक यह मैसेज पूछा है कि हमने एक रिकॉर्ड किया है, हमें एक तब्दीली लाने की जरूरत है। इंशाल्लाह आज उस तब्दीली का बुनियाद हमने आपकी वसादत से यहाँ प्रताप पार्क में रखा है। लिहाजा हम उन लोगों को भी आज आपकी वसादत से चेतावनी देना चाहते हैं कि जिन्होंने 1994 से लेके टिल डेट तक जितने डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, खुसूसन कश्मीर पीएचई कैजुअल लेबर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूं मैं, मुझे पता है कि पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और बाकी जितने अदर डिपार्टमेंट में है, इन्होंने सरकार चलाई, इन्होंने अपना कौम चलाया। लिहाजा जितने भी सरकारें आए हैं, सबसे पहले एमसी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, सब ये हमारे मसले में हल करने के लिए नाकाम साबित हो चुकी है। लिहाजा जिस तरीके से मैं आज आपकी वसादत से इन तमाम कैजुअल लेबरों को ये इतला देता हूं कि अब तब्दीली लाने की जरूरत है, अब दरबार मुंह इधर आने वाला है, खड़ा हो जाओ, अपने घरों से निकलो, जो हमारा नारा है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, इसको पूरी जम्मू कश्मीर में लागू करो, ताकि उन खुदगर्ज लीडरों को और अफसरों को यह पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर अब ना ड्यूटी देगा, ना किसी को काम करने देगा, तब तक जब तक हमारा मसला सही तरीके से हल नहीं हो जाएगी। क्योंकि अब दरबार मुंह यहाँ आने वाले, हमने आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसादत से सब कैजुअल लेबरों को ये खबर देना चाहता हूँ कि तैयार हो जाओ, 17-11 के लिए अगर हमारा जान भी चले जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि अब हमें ये पता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, वो हमारे मसले को फिर सरद खाने में डालेगा। लिहाजा बाकी जो प्रोग्राम के बारे में आज ऐलान करेगा, वो बाज़ाबता तौर पर तनवीर हुसैन करेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर हमारे जो प्रोग्राम होगा, जो हम प्रोग्राम देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम इंशाल्लाह कामयाबी पाएंगे। क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जाएंगे। लिहाजा आप लोग इसके लिए तैयार रहो कि हम अपने मसलों को हल कर